हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जनरल इंग्लिश का फुल 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये क्वेश्चंस बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2022 का है। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है या क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो देखो, नंबर 31 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI, यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय। ऑप्शन सर विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या जॉन किट्स या ऑप्शन डी रॉबर्ट जॉन। सो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये याद रखना। और ये क्वेश्चन कह सकते बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर देखो मेंटोर। ऑप्शन सर एडवाइजर, जीनियस, स्टाइलिस्ट या फिलोसोफर। तो सिनोनिम मतलब क्या है, सिमिलर मीनिंग। मेंटोर का सिमिलर मीनिंग क्या है, एडवाइजर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एडवाइस करना। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए टास्क दूंगा, वो मुझे करके कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलना कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, आई डैश दिस लेटर सिंस 7 AM इन द मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवेन बिलो। सो इसमें से करेक्ट टेंस कौन सा है, रोट, हैव रिटन या हैव बीन राइटिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर को देखो ऑप्शन सी, हैव बीन राइटिंग। ठीक है, सिंस और फोर अगर रहता है और ये अगर टाइम स्पान मतलब समझाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो हैव बीन राइटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 34, कार इज रिलेटेड टू गैरेज। कार किससे रिलेटेड है, गैरेज के साथ। सिमिलरली एरोप्लेन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन सर पोर्ट, डिपोर्ट, हार्बर या हैंगर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन देखो डी हैंगर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, ऑर्डर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू मेक कंप्लीट मीनिंग द स्टेटमेंट। हाँ देखो, आर देयर फॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली व्हाट द स्पीकर हैज सेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड विल बी मेड जस्ट वंस। तो कौन सा राइट आंसर होगा देखो, पहले हम लोग पहले ऑप्शन पे देखते हैं, SPSRPQ। तो विल बी मेड जस्ट वन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, पी क्या है देखो, देयर फॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली व्हाट द स्पीकर हैज सेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इन द टेस्ट वी विल डैश योर वर्क एंड देन गिव डिटेल्ड फीडबैक, यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, चेक, मेजर, जज या SS। सो राइट आंसर होगा देखो SS। सो SS वर्क SS करने के बाद कह सकते फीडबैक देंगे, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलूफ। एलूफ का क्या ऑपोजिट है, ऑप्शन सर अनरेस्पॉन्सिव, फेमिलियर, इनडिफरेंट या कोलैप्स। इसका राइट आंसर होगा देखो फेमिलियर। एलूफ मतलब क्या कह सकते एलोन, फेमिलियर मतलब सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉर द अंडरलाइन idiom एंड फ्रेज, द पुलिस नैप्ड द एक्यूज एज दे वेयर टिप्ड ऑफ बाय द नाइबर्स। सो ऑप्शन सर थ्रेटेंड, ब्राइब्ड, गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन या ऑप्शन डी एक्यूज। सो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 39, ये आपके लिए कह सकते टास्क है, तो आप लोग इसको मतलब कह सकते हैं डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब कह सकते हैं कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया। सो आप लोग ये करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को पॉज करके उसके बाद एक बार सोच लेना आप लोग। उसके बाद देखो मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू होल्ड वंस टंग मीन्स। ऑप्शन सर टू सपोर्ट, टू इंटरफेयर इन वंस वर्क या ऑप्शन सी टू इंसल्ट समवन या ऑप्शन डी टू कीप क्वाइट। सो राइट आंसर होगा देखो टू होल्ड वंस टंग मतलब क्या है, टू कीप क्वाइट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।